हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान, जी हाँ, द फेमस पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे पिछले अंक में हमने आपसे जाना था कि जिन लोगों के हाथ की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं उनमें क्या खास होता है, वो किसी ना किसी कला के क्षेत्र में बहुत माहिर होते हैं, खूबी उनके अंदर होती है। इसी के साथ ही हमें बहुत जिज्ञासा हो रही है ये जानने की कि बहुत लोग होते हैं जिनके पैरों की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, इतनी लंबी कि अंगूठे से भी बगल वाली उंगली लंबी होती है, ये क्या दर्शाता है? जी आइए दर्शकों, आपने खैर इस प्रकार की काफ़ी सारी वीडियो देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन आज कुछ और हम वास्तविकता के ऐसे सूत्र और रहस्य इस उंगली के बारे में आपको बताते हैं जो शायद आपको हैरान कर सकते हैं। आप देखिएगा, एक होता है शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती हैं, और उसमें शकुन शास्त्र में जहाँ हम किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जान सकते हैं उसके विभिन्न लक्षणों के माध्यम से, ऐसे ही एक शास्त्र होता है पूरा शरीर विज्ञान के ऊपर उसकी रचना होती है। वास्तुशास्त्र अलग होता है, सामुद्रिक शास्त्र अलग होता है। सामुद्रिक शास्त्र में हम रेखाओं का ज़्यादा जिक्र करते हैं। आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में। तो ऐसे ही हम आपसे जिक्र करते हैं कि इंसान के जो अंग होते हैं उनके अपने अपने रहस्य होते हैं। हमने बताया था आपके हाथों की उंगलियां लंबी हों तो क्या होता। अब ऐसे ही कई बार आपने देखा हो, बहुत लोग हैं जिनके पैर का अंगूठा तो छोटा होता है लेकिन पैर के बाजू वाली जो उंगली होती है वो लंबी होती है, इसका रहस्य क्या है? आप देखो, सारी दुनिया में ऐसे करोड़ों लाखों लोग होंगे जिनके पैर की उंगली अंगूठे से लंबी होगी। सभी के साथ तो ये सत्यता नहीं हो सकती जो मैं बताऊंगा, लेकिन अमूमन मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि जो उनकी लक्षण होते हैं वो उस उंगली के माध्यम से बहुत कुछ जाने जा सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जिस भी चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, अगर किसी के अंगूठे के बाजू वाली उंगली थोड़ी लंबी होगी तो हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर ही डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। मतलब लाइफ में अपनी कमाई, अपना रुतबा, अपनी मेहनत और अपने भाग्य के माध्यम से या अपनी मेहनत के माध्यम से ऐसे लोग अपने भाग्य को चमकाते हैं। अमूमन ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। बहुत लोगों को तो बहुत कुछ तोहफे ज़िंदगी दे देती है, दुनिया दे देती है, लेकिन ऐसे लोगों को विरासत में तोहफे या ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। नर्वस मत होइएगा, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर अपने आप में एक कला छिपी होती है, ऐसे लोगों के अंदर एक कर्मठता होती है। हालांकि कई बार ये उंगली अत्यधिक लंबी होना सुस्ती को भी व्यक्त करती है, कहीं ना कहीं लेजीनेस ऐसे लोगों के अंदर बढ़ जाती है, लेकिन अमूमन अगर ये उंगली आपकी अंगूठे से थोड़ी भी लंबी बाहर झांकती है तो निश्चित जानिएगा आपके अंदर अपने आप कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं जीवन के लास्ट पड़ाव तक कोंदती रहती है। वो बात अलग है कि जीवन में आप कितना कामयाब होते हैं, कितनी आपको सुविधाएं मिलती हैं, कितना धन आपको मिलता है, लेकिन फिर भी जीवन के अंतिम सांस तक आप कुछ नया करने की चाह आपके अंदर बनी रहेगी, आगे बढ़ने की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी। अब आप कहोगे आगे बढ़ने की चाह तो सब में होती है? नहीं, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जो हो गया उसी में संतोष कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का शौक होता है, आगे बढ़ने की उनकी इच्छाएं होती हैं। तो सबसे पहली ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि जिनकी उंगली अंगूठे से लंबी है पैर की, तो उनको निश्चित जानिएगा आगे बढ़ने की सोच, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर तक उनके अंदर व्याप्त रहती है, आखिरी सांस तक व्याप्त रहती है। जीवन में मध्यम पड़ाव पार करने के बाद उनकी तरक्की ज़्यादा होती है। तकरीबन जीवन की आधी आयु जब करीब करीब निकल जाए या आधी से थोड़ी कम, लाइक हम 30 साल मान लें,
30 साल की आयु के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में शनै शनै तरक्की आती है। जिद्दी प्रवृत्ति भी कई बार ऐसे लोगों की हो जाती है, कई बार ऐसे लोगों की हो जाती है, मेरी बात को ध्यान देना, जिद्दी प्रवृत्ति भी हो जाती है। जिद्दी इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो किसी से लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ को वो ठान लें तो ऐसा करने का उनका मन हो जाता है। कई बार ऐसे पुरुषों में या ऐसी महिलाओं में कई बार स्वयंवर की भी इच्छा आ जाती है, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, लेकिन शायद ही ये इच्छा ऐसी उंगली वाले व्यक्ति की पूर्ण हो पाती हो। कई बार पूर्ण हो भी जाती है, लेकिन अगर पूर्ण होती भी है तो बहुत ज़्यादा विवादित हो करके, कुछ घटनाएं नेगेटिव होती हैं साथ में, तब जा कर के लव मैरिज की इच्छा ऐसे लोगों की पूर्ण हो पाती है। अन्यथा कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने विचारों को वापस ले लेते हैं, इस सब्जेक्ट से अपने ख्याल को निकाल देते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसे लोग दूर भी रहते हैं घर से, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में रहें, चाहे किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में रहें, चाहे किसी जॉब के सिलसिले में रहें, कई बार दूर भी रहते हैं। जीवन के लंबे पड़ाव तक ऐसे व्यक्ति स्वयं धन कमाते हैं, चाहे किसी भी रूप में धन कमाएं, चाहे आप पति की बहुत ज़्यादा हेल्प करें तो आपको उनसे मतलब आप हेल्प कर रही हैं बहुत ज़्यादा, चाहे किसी भी रूप में कर रही हैं, और या अगर आपके पति हैं या पति की हम बात करें तो वो स्वयं तो मेहनत करते ही करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पत्नी के संयोग से, पत्नी के भाग्य से भी भाग्य दो हो जाते हैं, लाभान्वित व्यक्ति होता है। तो कहने का भाव, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर किसी की भी हथेली में ऐसा हो, उसमें आपके पैर की उंगली ऐसी हो, तो आगे बढ़ने की चाह, कमाने की चाह, ज़िंदगी को कुछ बदलने की चाह ऐसे लोगों में होती है। कई बार राइटिंग और सिंगिंग का शौक़ भी ऐसे लोगों को हो जाता, अलग थलग भी कई बार ऐसे लोगों की ज़िंदगी पड़ जाती है, बिल्कुल ही अलग थलग सी ज़िंदगी हो जाती है। कई बार धार्मिकता बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है, कई बार ऐसे लोगों के अंदर संन्यास की संभावनाएं व्याप्त हो जाती हैं। तो कहने का भाव मेरे दर्शकों, ऐसे बहुत सारे अनगिनत राज हैं जो आपके पैर के अंगूठे की बाजू वाली उंगली आपके खोलती है, लेकिन कुल मिलाकर के जिसको हम ये कह सकते हैं कि निचोड़ क्या निकलता, आप बहुत अच्छे भावुक व्यक्ति होते हैं, आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा, आपको कोई भी ऐसा सीन आप देख लें, दृश्य आप देख लें, आपके अंदर भावुकता आ जाती है, हंसते हंसते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते रोते तो सबकी आते हैं, आपके हंसते हंसते भी आ जाते हैं। छोटे मन के लोग होते हैं आप, छोटे मन से ठेस बर्दाश्त नहीं होती, वो बात अलग है, किसी से मन की बात ना कहें, लेकिन फिर भी आपके मन में कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के बड़ी ठेस लग जाती है, शायद सामने वाला नहीं समझ पाता। जीवन को शानदार तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से, अपनी कर्मठता के साथ आप जीवन को जीना चाहते हैं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में हमेशा आपको सूर्य की साधना ज़्यादा करनी चाहिए। जिनके अंगूठे की उंगली ऐसी हो, उनको सूर्य की साधना बहुत ज़्यादा फबती है, करनी चाहिए। आप किसी भी मजहब से जुड़े हैं तो कम से कम रविवार के दिन लाल चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। आपको चांदी और गोल्ड जरूर पहनना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा ही पहने, लेकिन पहनना चाहिए। अब जैसे हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम में गोल्ड नहीं पहनते हैं, पहनते भी हों तो उसकी ज़कात देनी पड़ती है, तो कई बार इस्लाम में चांदी पहनना ज़्यादा पसंद किया जाता है। हिंदुज़्म की हम बात करें तो सारी चीज़ें पहनी जाती हैं, लेकिन कई बार लोगों को गोल्ड पहनने का शौक़ नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों को चाहे थोड़ा ही सही गोल्ड ज़रूर पहनना चाहिए, चांदी भी ज़रूर पहननी चाहिए, है ना। और बाकी मैं तो यही कह सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए समय समय पर बताऊँगा, और हर महीने का जो राशि फल हम बताते हैं, आपकी जो भी राशि हो, अपनी राशि से मुतालिक, अपनी राशि से संबंधित आप लोगों को उपाय करने चाहिए। कुल मिलाकर के मेरे दर्शकों, फीमेल हो आप मेल हो, आपका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, सोच तो आपकी बढ़ जाती है, लेकिन आपका जीवन शानदार हो जाएगा, आप चिंता ना करें जी।
तो एक बहुत रोचक रहस्य पर से आजसा ने पर्दा उठाया है। इसी तरह की अगर और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, रोचक जानकारियां आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं आपको करना क्या है। YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना है। बाकी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करने के लिए आप संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा 10:00 बजे से लेकर 6:00 बजे के बीच में। अब हमें चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी जी। तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा, हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुटबुल टाइप का है जी। तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा, रात भर रोता था। अच्छा। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।